सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा। मेरा नाम महजबी खातून है। मैं यहाँ मिथिलांचल आईटीआई में पिछले एक वर्षों से कोर्स कर रही हूँ। मैं यहाँ शिक्षा एवं तकनीकी के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। चलिए मैं इससे आगे कैंपस के आगे चलते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आप अपने पार्किंग एरिया, जहाँ हमारे फ्रेंड लोग यहाँ बाइक और साइकिल लगाते हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने संस्थान के अंदर। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने रिसेप्शन काउंटर पर, जहाँ मधु मैम बैठी हुई है। आइए अब अपनी मैं मधु मैम से मिलाती हूँ कि यहाँ रिसेप्शन पे किस प्रकार का काम करती है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टेक्निकल कोर्स करने के लिए आते हैं तो उसको हम बताते हैं कि किस ट्रेड में एडमिशन लेना है, इलेक्ट्रीशियन या फिटर। तो फिर वो इच्छुक उनसे जानना चाहते हैं कि वो रेगुलर क्लास करेंगे या नहीं। अगर वो रेगुलर क्लास करने के इच्छुक होते हैं तो हम अपने क्लास के इंस्ट्रक्टर से मिलवाते हैं, फिर वो अपने क्लास में विजिट करवाते हैं स्टूडेंट को, और उसके बाद उनका एडमिशन होती है। आइए अब हम अपने संस्था के एडमिशन कोर्स चलते हैं, जहाँ हमारे राजेश सर बैठे हुए हैं। आइए अब मैं अपने राजेश सर से मिलाती हूँ, जो यहाँ किस प्रकार के काम करते हैं। एडमिशन के कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिशन के समय में बच्चे से पहले ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप रेगुलर क्लास करेंगे, दूसरा कि यहाँ पे क्लास करने के वक्त में मंथली टेस्ट होती है, उस मंथली टेस्ट में आपको आना होगा। फिर उस टेस्ट के अनुसार गार्जियन को वो चीज़ बताना होता है कि बच्चे कितने आपके अंक लाए हैं मंथ में, उसे फिर उसको बताया जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, तो गार्जियन उसमें एग्री हो जाते हैं। उसके बाद एडमिशन का कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि बच्चे आए हैं उनका टेस्ट लेना कि ये बच्चे किस ट्रेड के लायक है, उसी ट्रेड में उसे रखा जाता है, फिर उस तरह से उसे प्रिपेयर करके उस ट्रेड में एडमिशन लिया जाता है। आइए अब हम अपने एडमिशन काउंटर के इधर चलते हैं, जहाँ कुछ नए स्टूडेंट एडमिशन करवाने आए हैं। हम उससे जानना चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन वो क्यों करवाने आए हैं। दो तीन आईटीआई विजिट करके आए हैं, जिससे हमें लगा कि मिथिलांचल आईटीआई हमें खास उत्तम व्यवस्था दी जाती है। हमने यहाँ आके देखा कि यहाँ सारी चीज़ की व्यवस्था ठीक ठाक से है, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन से एडमिशन करने का फैसला किया। यहाँ हम फिटर ट्रेड में एडमिशन करवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ जो भी सर है सब एजुकेटेड है। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने क्लासरूम की ओर। अभी हम फीटर क्लास में खड़े हैं, जहाँ सर फीटर थ्योरी पढ़ा रहे हैं। एम निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन रीजन बनता है। सवेरे सवेरे यार से मिलने घर से दूर चले। कौन? आइए अब मैं अपने फीटर ट्रेड के टीचर परमहंस सर से मिलवाती हूँ। अब मैं सर से जानना चाहूँगी कि अभी आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। ट्रेड थ्योरी में फीटर ट्रेड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गैस वेल्डिंग में फ्लेम की जानकारी दे रहे हैं कि उसमें तीन रीजन बनता है, इनर कोन, इंटरमीडिएट या रिड्यूसिंग जोन और आउटर एनवेलप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। हम गैस वेल्डिंग की टॉपिक में टॉर्च जो है वेल्डिंग टॉर्च के जलाने के बाद जो फ्लेम निकलता है, उस फ्लेम में जो लाइट निकलता है ज्वाला फ्लेम, जिसको ज्वाला,
उसमें तीन रीजन बनता है, इनर कोन, इंटरमीडिएट कोन और आउटर एनवेलप। ये तीनों जोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए अब मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ और उनसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि वो हमारे टेट थ्योरी के जो सर है प्रभात सर, उन्होंने अभी पढ़ाया कि फ्लेम इन गैस वेल्डिंग में कौन कौन सा रे निकलता है। तो इसमें थ्री टाइप का रे निकलता है जिन्होंने उसने बताया। इसमें इनर कोन बताया उन्होंने, इंटरमीडिएट जोन और आउटर एवरीवन इन एवक ऑफ जोन बताया उन्होंने। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने क्लासरूम की ओर। हम लोड विद्युत खपत करते हैं उसका ये माप करके बतलाता है कि हमने रुके से ना रुके हम बरसी से चले हम बादल सा घर से हम साबन सा बरसे सूरज। आइए अब मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टीचर निरंजन सर से मिलवाती हूँ। आइए अब मैं ये सर से जानना चाहूँगी कि यहाँ किस प्रकार की क्लासेस चल रही है। अभी थ्योरी का हम क्लास ले रहे हैं। थ्योरी में हाउस वायरिंग के बारे में बता रहे हैं कि हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है, हम कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे एनर्जी मीटर पे हम उसको लोड को जोड़ करके हम लगाते हैं, कैसे लोड हम निकालते हैं उसके बारे में बतलाते हैं कि हम कैसे कनेक्शन किया जाता है। कनेक्शन हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। फेज फेज को और न्यूट्रल न्यूट्रल में जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। इसके बारे में हम लोग बतलाते हैं कि कैसे सही तरीके से ये कनेक्शन होनी चाहिए। आइए अब मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ किस प्रकार की क्लासेस चल रही है। अभी जो क्लास चल रही थी बहुत अच्छी चली, यानी हाउस वायरिंग के बारे में मेरे इंस्टाग्राम निरंजन सर बताए, बहुत सारे बताए कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे किस चीज़ को हम कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, यानी सही तरीके से, यानी गलत नहीं होनी चाहिए, फेज न्यूट्रल यानी ये जो भी हो उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। जो भी अभी क्लास चली है वो बहुत अच्छा हुआ और सभी मेरे माई फ्रेंड्स यानी कॉन्सेप्ट किए जो भी सर बताए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ क्लास मैंने रेगुलर बहुत अच्छा थ्योरी का क्लास चल रहा था जो सर बता रहे थे निरंजन सर मेरे, और ये बता रहे थे कि हाउस वायरिंग के बारे में, और उन्होंने बताया कि जो फेज न्यूट्रल जो कैसे किसके में कनेक्ट किया जाता है, कैसे वायरिंग किया जाता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, सारी चीज़ बता रहे हैं। आइए अब मैं आपको फीटर वर्कशॉप की ओर ले जा रही हूँ। से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा खर्चे हम साबन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। फीटर वर्कशॉप के सुशील सर से मिलवाती हूँ। मैं सर से जानना चाहूँगी कि यहाँ किस प्रकार की क्लासेस चल रही है। जी अभी मैं अपने ट्रेनी को इंटरनल स्क्वायर फिटिंग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये जॉब आप देख रहे हैं ये है जॉब शीट, इससे बच्चे को क्या है कि एक जॉब पीस काटना है, उसके अंदर उसमें ड्रिलिंग प्रोसेस, फाइलिंग प्रोसेस एवं फिनिशिंग प्रोसेस करके उस जॉब के अंदर एक स्क्वायर फिटिंग बना करके उसको कैसे फिटिंग का जो वर्क किया जाता है वो कैसे करना है वो सिखा रहे हैं बच्चे। अब मैं अपने फ्रेंड से जानना चाहूँगी कि अभी जो मैं जॉब बना रहा हूँ जिनका नाम है इंटरनल स्क्वायर फिटिंग, सबसे पहले सर ने हम लोगों को ड्राइंग दिया, फिर हम लोगों ने ड्राइंग को सर से चेक करवाया, ड्राइंग के अनुसार हमने रॉ मटेरियल को काटा, फिर रॉ मटेरियल काट कर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से एंगल प्लेट एवं सरफेस प्लेट पर रख कर उनको मार्किंग किए, फिर मार्किंग के अनुसार हैक्सॉइंग और फाइलिंग कर उसमें फिर ड्रिलिंग किए, ड्रिलिंग कर अभी हम फाइलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जिसके ड्रिलिंग प्रोसेस किया जाता है जो हम होल बनाने के लिए काम आते हैं। सर जो हम लोग को जॉब दिया गया वो जॉब पे मार्किंग किए हुए सतह पे हम सर के अनुसार वो जो ड्राइंग के अनुसार सर दिए हुए हैं उसके अनुसार हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। आइए अब मैं इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप की ओर लेकर चलती हूँ।
वर्कशॉप के अनुदेशक निरंजन सर से मिलवाती हूँ और मैं सर से जानना चाहूँगी कि यहाँ किस प्रकार की क्लासेस ले रहे हैं। पंखा को कैसे वाइंड किया जाता है, स्टेटर पे कितना टर्न होना चाहिए, कितना एमएम स्क्वायर का तार प्रयोग करना चाहिए, कितना एसडब्ल्यूजी का, वो सब उसके बारे में बतलाते हैं। ठीक है, टर्न जो है कितना हमको टर्न होना चाहिए स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में, वो हम लोग बतलाते हैं। अभी उसी का वाइंडिंग करवा रहे हैं और उसी के बारे में अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। अब मैं अपने फ्रेंड से जानना चाहूँगी कि यहाँ किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग यानी जाने फैन वाइंडिंग के बारे में, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज कितने का होता है, 36 स्टैंडर्ड वायर यानी 360 उतना लपेटा जाता है प्रत्येक टर्न, और उसमें जो भी स्टेटर होता है उसका भाग होता बताया था। इसमें सर ने ये बताया कि एक फैन में कितना टर्न देना है और कितना स्टैंडर्ड वायर गेज डालना है और कैसे वाइंडिंग किया जाता है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो भाग था तो ये ऊपर से देख रहे हैं, ये तो दिखता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो की यहाँ किस प्रकार की ड्राइंग क्लासेस हो रही है और हमारे दोस्तों को इससे क्या फायदा होगा। अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो प्रोजेक्शन चैप्टर से आती है। इसके दो भाग होते हैं, पिक्टोरियल एंड ऑर्थोग्राफिक। पिक्टोरियल के तीन पार्ट होते हैं, रेस्पेक्टिवली एसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक, और ऑर्थोग्राफिक के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों के लिए वो आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक को समझना, क्योंकि ये लोग जब आगे काम करने जाएंगे तो इनको सरकारी जॉब करने जाए या किसी फैक्ट्री में जाए, वहाँ इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जो जॉब मिलेगा इन लोगों को बनाने, वो या ड्राइंग के रूप में मिलेगा, जो ड्राइंग या तो ऑर्थोग्राफी के रूप में हो सकता है या आइसोमेट्रिक के रूप में हो सकता है। तो ये टॉपिक इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे की अपने क्षेत्र में अच्छा कर सके। अब मैं अपने फ्रेंड से पूछना चाहूँगी कि उसको ड्राइंग क्लास से क्या सीख मिलती है। हमारे जो ड्राइंग के सर हैं सुशील सर, जो हमको हम लोगों को ड्राइंग पढ़ाते हैं, जिनके माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आइसोमेट्रिक मिलता है तो उनके व्यू भी बनते हैं, फर्स्ट साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, उसी को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे देखना है, ये हम लोगों को सर पढ़ा रहे हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने ITA लैब की ओर और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई चलती है। साबन साबर से सूरज सा चमके हम स्कूल चले, हम स्कूल चले, हम मिलवाती हूँ जिसका नाम है परशुराम सर। सर से जानना चाहूँगी कि यहाँ किस प्रकार की क्लासेस चल रही है। सबसे पहले प्रोजेक्टर का थ्योरी कराया जाता है 2 घंटे, उसके बाद फिर यहाँ लैब भी होती है। आइए अब मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो अभी कंप्यूटर पे क्या वर्क कर रही है। जी, मैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आई हूँ और बनाना सीख रही थी। सर, अभी हम कंप्यूटर पे रिज्यूम बनाने का प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्यूमेंट बना रहा सीख रहा हूँ, अपना रिज्यूम बना रहा हूँ कंप्यूटर पे MS Word पे। आइए अब मैं आपको प्रिंसिपल चैम्बर की ओर लेके चलती हूँ। आइए अब मैं आपको अपने प्रिंसिपल से मिलवाती हूँ जिसका नाम है अनिल कुमार थक। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी संस्था किस प्रकार काम करती है। हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह काम कर रही संस्था। मेरे यहाँ 2 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर, दोनों ट्रेड में मेरे यहाँ बच्चा पूरा है और ढंग से पढ़ाई होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सब विषय के टीचर हमारे यहाँ अलग अलग हैं, सब विषय में टीचर लोग पढ़ाते हैं अच्छी तरह। हमारे यहाँ विद्यार्थी भी पूर्ण रूप में उपस्थित होते हैं, नहीं उपस्थित होने पर हम लोग गार्जियन को कॉल करते हैं और गार्जियन से कह के फिर बच्चे को बुलवाते हैं, बच्चे को भी कॉल होता है। माह में हम लोग जो है से प्रथम शनिवार को टीचर की बैठक करते हैं, द्वितीय शनिवार को अभिभावक को बुलाते हैं और जो परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, अभिभावक को हम लोग सूचित करते हैं, कह देते हैं, समझा देते हैं और पढ़ाई लिखाई में कोई तरह की दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ। सब
अच्छे अच्छे टीचर हैं। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने संस्थान के हॉस्टल की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ बच्चे किस प्रकार से रहते हैं और एवं पढ़ाई करते हैं। आइए अब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ और उससे जानना। पूछती हूँ कि वो कहाँ से आए हैं और उनका नाम क्या है। मेरा नाम गोविंद कुमार है, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं अभी वर्तमान में मिथिलांचल RTI में प्रशिक्षण ले रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आने जाने में अपने घर से दरभंगा आने में बहुत सारा टाइम मेरा किल हो जाता था, जिसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने हम लोग के लिए निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा रखे हुए हैं और ये पुअर स्टूडेंट के लिए खास करके हमारे सर रखे हुए हैं, जिनसे तैयारी करने में उनको काफ़ी आसानी प्राप्त हो और वो टाइम अपना नष्ट न करते हुए हॉस्टल में रह करके आसानी से अपनी तैयारी में लगे रहें। कुमार यादव, मैं अपने मिथिलांचल RTI के छात्र हूँ और मेरा घर कुशेश्वर स्थान पड़ता है और यहाँ से 80 किलोमीटर आने जाने मतलब 160 किलोमीटर आने जाने पड़ता है, इसके कारण समय क्षति हो जाता और डायरेक्टर सर ये फ्री में हॉस्टल में रहने के लिए दिए हुए हैं और सुविधा दिए हुए हैं और मतलब पुअर लड़का सबके लिए बहुत डायरेक्टर सर दिए हुए हैं। आइए हम अपने सर से मिलते हैं। और मैं यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में रहता हूँ और ये हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं जो बहुत ही पुअर हैं, जिन्हें निःशुल्क हॉस्टल की व्यवस्था दी गई तथा ये बहुत ही अन्य जिला से आए हुए हैं, जो गरीब हैं या अन्य जिला से आए हुए हैं जो बहुत दूर है, उनका समय क्षति ना हो, जिस कारण हमारे रेक्टर सर ने यहाँ इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल की व्यवस्था दी है। धन्यवाद। व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जो बच्चों के लिए जो उनके लिए अच्छा हो, अच्छा से अच्छा वो हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आइए अब मैं अपने डायरेक्टर सर से परिचय करवाती हूँ, जिनका नाम है आशीष कुमार। ये अब मैं अपने सर से जानना चाहूँगी कि हमारे संस्थान किस प्रकार काम करती है। मेरा मिथिलांचल ITI खोलने का मिशन है कि प्रत्येक यहाँ जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करना, प्रत्येक बच्चों के पीछे स्किल्ड होगा, टेक्निकल डिग्री होगी, टेक्निकल जानकारी होगी तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। मिथिलांचल ITI खोलने का मिशन है ये कि हम लोग जो यहाँ जो टेक्निकल कोर्स कराते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर, यह रीज़न है कि अपने यहाँ बेरोजगारी को दूर करना और अपने यहाँ ITI में दो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन में खास करके बच्चे को टेक्निकल कोर्स कराते हैं, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन के जो टीचर हैं वो सब CTI किए हुए हैं, जितने भी टीचर हैं योग टीचर हैं, खास करके हमारे यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल मैथ एम्प्लॉयमेंट स्किल सबका अलग अलग टीचर, उसी तरह से फिटर में भी हमारे यहाँ सब अलग अलग टीचर हैं, थ्योरी का प्रैक्टिकल का मैथ का एम्प्लॉयमेंट स्किल का। और अपने यहाँ जो हम लोग का खास करके गाइडलाइन है कि जो भी बच्चे का एडमिशन लेते हैं, पहला कि जो बच्चे रेगुलर क्लास करेंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास करेंगे तो सीखेंगे, क्योंकि मेरा मिशन है बच्चे को सिखाना, सर्टिफिकेट नहीं देना। तो जो बच्चे कमिटमेंट करते हैं कि हम रेगुलर क्लास करेंगे और प्रत्येक महीना में हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में प्रेजेंट रहेंगे, तो प्रेजेंट रहने के बाद हम लोग जो महीना में एक दिन पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, फर्स्ट सैटरडे को टीचर्स मीटिंग रखते हैं, सेकेंड सैटरडे को जो पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, तो उसमें ये सारी प्रेजेंटेशन के बारे में हम पहले गार्जियन से अवगत कराते हैं कि आपके बच्चे का प्रेजेंटेशन ये है। और हम लोग जो मंथली टेस्ट लेते हैं, जिसमें थ्योरी में उसका जो मार्किंग ये है, लैब में ये है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में, एम्प्लॉयमेंट स्किल में है, गार्जियन को दिखलाने के बाद ये हम लोग डिसीजन लेते हैं कि खास करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम अलग से क्लास करवाते हैं। और अलग से क्लास करवाने का मतलब है कि वो बच्चे जो कमज़ोर हैं वो भी अपने लाइनअप पे आ जाते हैं, बशर्ते कि वही बच्चे का एडमिशन लेते हैं जो यहाँ टेस्ट में पास हो जाते हैं। और देखते हैं कि वो थोड़ा सा मेहनत करने से अगर सर्वाइव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग एडमिशन लिए या कमिटमेंट कर दिए कि हम लोग पास करा देंगे और एक टेक्निकल डिग्री दे देंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे हैं। खास करके हम लोग का मिशन जो पढ़ाना है, बच्चे को शिक्षित करना है, टेक्निकल रोज़गार देना है, कि अगर सरकारी जॉब नहीं भी मिल पाए तो बच्चे अपना स्वरोजगार व्यवसाय स्टार्ट करके इंडस्ट्रीज छोटा मोटा इंडस्ट्रीज करके के छोटा मोटा स्वरोजगार व्यवसाय करके 10 लोगों को जॉब दे सके। जैसे कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप अगर खोल लेते हैं तो 10 आदमी का रोजगार इसी तरह चल जाता है, 10 आदमी का रोजी रोटी चल जाता है। इस ढंग से अगर हमारा मिशन है और सारे आदमी का मिशन इस तरह से हो जाए तो बच्चे कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे और अपने यहाँ बेरोजगारी दूर हो सके। अब
हम अपने डायरेक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि गरीब बच्चों के लिए हमारी संस्था किस प्रकार की सुविधा दे रही है। सुविधाएं हैं कि हॉस्टल की फ्री निःशुल्क सुविधाएं हैं और हम लोग गरीब बच्चों को बुक भी देते हैं और यहाँ तक यूनिफॉर्म भी गरीब बच्चे को दे देते हैं। और यहाँ हम लोग खास करके हॉस्टल फ्री इसीलिए दिए हुए हैं कि बच्चे यहाँ रेगुलर रहेंगे तो पढ़ पाएंगे। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम।